Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under the heading of Taxonomy of Educational Objectives, that is Psychomotor Domain of Educational Objectives. हम लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर बात कर ली थी. ब्लूम साहब ने हमें कॉग्निटिव डोमेन समझाया था और बाद में उसकी रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी आई थी जो प्रेथवोल ने 2001 में दी थी. उसके बाद एक इफेक्टिव डोमेन आता है और साइकोमोटर डोमेन. तो साइकोमोटर डोमेन आज डिस्कस करेंगे. दी लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड. हिंदी और अंग्रेजी भाषी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा. एंड वेरियस यू आपके एग्जामिनेशन, आपके रेगुलर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हमें जानना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ लर्निंग, पहले शुरू करते हैं. साइकोमोटर आया कहाँ से, क्या है साइकोमोटर, साइकोमोटर में किस चीज के बारे में बात हो रही है. तो हम चूंकि कॉग्निटिव डोमेन पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि लर्निंग को ब्लूम साहब ने कहा कि तीन लेवल पे हमको देखना है. कॉग्निटिव लेवल पे, इफेक्टिव लेवल पे और साइकोमोटर लेवल पे. कमिटी ऑफ कॉलेजेस लेड बाय बेंजामिन एस ब्लूम 1956 आइडेंटिफाइड थ्री डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज. उन्होंने बताया कि जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, शैक्षिक क्रियाएं हैं, उनके तीन आयाम हैं. तीन आयाम उन्होंने आइडेंटिफाई हमको करके बताया कि संज्ञानात्मक होता है, जिसमें कि हम मेंटल स्किल्स की बात करते हैं, यानी संज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं. इफेक्टिव का मतलब होता है ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, जिसमें एटीट्यूड की बात की जाती है ना, भावात्मक, कि हमें बच्चे का एटीट्यूड चेंज करके हमको उसका ले जाना है पढ़ाई की तरफ और साइको, मतलब किसी भी टॉपिक की तरफ. और साइकोमोटर में क्या होता है कि मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, हम जब इसको हिंदी में बोलते हैं मनोगत्यात्मक या शारीरिक या इस तरीके की इसकी हिंदी है, तो मैनुअल और फिजिकल स्किल्स जहाँ इन्वॉल्व हो. या हम कह सकते हैं क्या कि पहले हमको किसी टॉपिक को कॉग्निटिव लेवल पे बच्चे के समझाना है, फिर उसके अफेक्शन में उसको डालना है और फिर साइकोमोटर लेवल तक उसको ले जाना है ताकि वो उस पर स्किल्ड हो जाए, वो कर भी सके. ट्रेनर्स ऑफन रिफर टू दीज थ्री डोमेन्स एज नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड. इसको अक्सर KSA के नाम से भी जानते हैं, नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड. ओके, अब स्टार्ट करते हैं साइकोमोटर. यहीं पर ये बात आपको बता दें कि यहाँ पे हम इसको 3H से भी कंपेयर कर सकते हैं. 3H क्या है? हेड, हैंड और हार्ट, या हेड, हार्ट और हैंड. तो जो पहला H है वो हेड है, तो वो नॉलेज हो जाएगा, यानी संज्ञान यानी ब्रेन. फिर इफेक्टिव यानी आपका भाव यानी हार्ट यानी कि दिल, और साइकोमोटर यानी कि आपका हैंड यानी कि स्किल और यानी कि मोटर एक्टिविटीज. ओके, तो साइकोमोटर है क्या? दी साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स, यानी कि जो मनोगत्यात्मक आयाम है, मनोगत्यात्मक, वो क्या इंक्लूड करता है? फिजिकल मूवमेंट, यानी कि हम कुछ चल रहे हैं, हम कोई क्रियाशील है. कोऑर्डिनेशन, यानी कि डिफरेंट जितने भी उसमें मसल्स, मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए. एंड यूज ऑफ द मोटर स्किल एरियाज. डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर्स, हमको इन कौशलों को विकसित करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रैक्टिस. जितना ज्यादा कहते हैं ना हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम बढ़िया कर पाएंगे. जैसे कंप्यूटर टाइपिंग हो गया आपका, कार ड्राइविंग हो गया. एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, और इसका आकलन कैसे करते हैं, नापते किसके टर्म्स में? स्पीड, कितनी जल्दी आप कर पाते हैं. प्रिसीजन, कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं. डिस्टेंस, कितनी देर लगती है आपको उसको करने में, कितनी दूरी डिफरेंट चीजों में, जैसे कार अगर ड्राइव कर रहे हैं तो. प्रोसीजर, आपने कैसे प्रक्रिया को पूरा किया. और टेक्निक्स इन एग्जीक्यूशन, यानी कि आप जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, उस मोटर एक्टिविटी, उस स्किल को कर रहे थे, तो आपने कितना टैक्टफुली किया, कितना उसमें टेक्निक इन्वॉल्व थी, है ना. और क्या है, द साइकोमोटर डोमेन वॉज ऑस्टेंसिबली एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस स्किल्स डेवलपमेंट. यानी कि हमको ये समझ जाना चाहिए कि मनोगत्यात्मक आयाम का स्किल से मतलब है, कौशलों से मतलब है, कौशल के विकास से इसका लेना देना है. रिलेटिंग टू मैनुअल टास्क, वो काम जो हम हाथ से करते हैं. क्यों? क्योंकि मोटर एक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए. बैठे बैठे कोई साइकोमोटर डोमेन में काम नहीं होगा. एंड फिजिकल मूवमेंट, यानी कि गतिशील हूँ. However, it also concerns and covers modern day business and social skills. अब चूंकि जैसे जैसे समय आधुनिक हो गया तो इसमें हमने और चीजों को भी इन्वॉल्व कर लिया है, जैसे कि कम्युनिकेशन, इसको भी साइकोमोटर डोमेन में ले लिया है ना, कि हम बोलते हैं तो उसमें भी तो कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व है. एंड ऑपरेशंस, जैसे IT इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एंड कीबोर्ड स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब भी मॉडर्न डे की कवरेज की वजह से इसमें आ गया है. दस मोटर स्किल्स एक्सटेंड बियॉन्ड दी ओरिजिनली ट्रेडिशनली इमेजिन्ड मैनुअल एंड फिजिकल स्किल्स. यानी कि मोटर स्किल में आज के दौरान अगर हम बात करेंगे तो कीबोर्ड स्किल भी आएगा, आपका सोशल स्किल भी आएगा, सॉफ्ट स्किल्स आएंगे, कम्युनिकेशन आएगा, पब्लिक स्पीकिंग आएगा, ये सब कुछ भी साइकोमोटर डोमेन का अब हिस्सा हो गया है. नहीं तो ओरिजिनली ट्रेडिशनली इसमें सिर्फ मैनुअल स्किल्स या फिजिकल मूवमेंट या मोटर एक्टिविटी ही इन्वॉल्व थी. ओके, अच्छा,
जैसे कि हमने कॉग्निटिव में जाना, तो कॉग्निटिव में हमको सिर्फ और सिर्फ ब्लूम का नाम मिलता है, बाद में ब्रैथोल ने उसको हमको न्यू थ्योरी उसकी दे दी, मतलब रिवाइज्ड। एफेक्टिव डोमेन में भी हमको एक ही क्लासिफिकेशन मिलता है, लेकिन साइकोमोटर डोमेन में हमको तीन क्लासिफिकेशन मिलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी उनको सिम्पसन का मिलता है, कभी हैरो का मिलता है, कभी डेव का मिलता है। तो उनको लगता है कि आज हमने ये पढ़ा, कल ये पढ़ा, कल ये पढ़ा, क्या है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि तीन थेरिस्ट के हम क्लासिफिकेशन चलते हैं साइकोमोटर डोमेन में। किसके किसके? एलिजाबेथ सिम्पसन का चलता है, अनीता हैरो का चलता है, और डेव का चलता है, आरसी डेव शायद उनका नाम है पूरा। तो इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर डेव वाला है। तो आप सिर्फ एक याद करके भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिम्पसन, हैरो और डेव के तीन क्लासिफिकेशन हैं जो साइकोमोटर स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। सिम्पसन एंड हैरो साइकोमोटर डोमेन्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, है ना, बच्चों के लिए और जो युवा है उसके लिए इन्होंने दिया है। एंड फॉर डेवलपिंग स्किल्स इन एडल्ट्स दैट टेक पीपल आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन्स, मतलब एडल्ट के लिए तब काम करेगा ये जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम कर रहे हैं। सिम्पसन्स वर्जन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू आर टेकिंग एडल्ट्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, ये बात हो गई, बिकॉज इट एड्रेसेस सेंसरी परसेप्शन एंड प्रिपरेशन इश्यूज। क्यों? क्योंकि इसमें ये सेंसरी परसेप्शन की बात करें, यानी कि सेंसेस जो है वो परसीव करें। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि जो एडल्ट हो गया, सॉरी जो लेटर एडल्ट है, वो क्या करेगा, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर अभी तक उसने उम्र के उस पड़ाव तक उस काम को नहीं किया, उस स्किल को नहीं किया, तो उसके लिए मुश्किल है उसको करना। फिर हैरोज वर्जन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू आर डेवलपिंग स्किल्स विच आर इंटेंडेड अल्टीमेटली टू एक्सप्रेस, कन्वे एंड और इन्फ्लुएंस फीलिंग्स एंड इमोशन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑन अदर्स। ये बता रहे हैं कि सिम्पसन का कब इफेक्टिव हो सकता है क्लासिफिकेशन, हैरो का कब हो सकता है, और जो डेव का है वो जो है सिंपलेस्ट है, यानी कि सबसे आसान है, आप जब उसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो याद करने में आसान है, एंड जनरली ईजिएस्ट टू अप्लाई, और सबसे सरल है अप्लाई करने में इन द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एनवायरमेंट। एंड डेव साइकोमोटर डोमेन अबव इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली रेफरेंस्ड एंड यूज्ड साइकोमोटर डोमेन इंटरप्रिटेशन, मतलब सबसे सिंपल है, सबसे ईजी है, और सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। सबसे सिंपल और इजी है, इसीलिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, है ना, याद करने में भी सुविधाजनक है। तो सिम्पसन से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ईयर रह गया, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ईयर इतना ज्यादा है, सब 1970 से 72 75 यही ईयर इनके चल रहे हैं। तो सिम्पसन का जो वर्जन है उसमें इन्होंने देखिए कितने लेवल दिए, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जिसमें पहले बेसिक प्रोफिशिएंसी आएगी, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन, यानी कि कितने हो गए, चार इधर और तीन उधर, सात लेवल का क्लासिफिकेशन सिम्पसन का है। तो याद करेंगे, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, बेसिक प्रोफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो परसेप्शन का क्या मतलब, परसेप्शन का मतलब हम परसीव करेंगे, द एबिलिटी टू यूज सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटी, यानी किसी मोटर एक्टिविटी को करने के लिए सेंसरी क्यूज हमारे डेवलप होने चाहिए, हमको उस सेंसेशन परसीव करें, अवेयर हो, सीख करें उसको। फिर नेक्स्ट में क्या, ये आप चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर एक एक लेवल को, तो और हम लोग डे वाले को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका आप हेडिंग जान लीजिए। फिर इसी के एग्जाम्पल भी हैं, कीवर्ड भी दे रखे हैं, जैसे कीवर्ड क्या हो जाएगा, चूजेस, डिस्क्राइब्स, डिटेक्ट्स, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, है ना। फिर सेट का क्या मतलब है, सेट का मतलब है तैयारी, तैयारी का मतलब हम तैयार हो रहे हैं, उस मोटर एक्टिविटी को हमने परसीव कर लिया कि हाँ ठीक है, हमको ये मोटर एक्टिविटी करनी है। एक्शन वर्ब क्या है, चूज, हमने चूज कर लिया कि ये मोटर एक्टिविटी हम करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, रेडीनेस टू एक्ट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट, यानी कि हमको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली रेडी होना होगा उसको करने के लिए। इसीलिए इसको सेट की जगह आप माइंडसेट करके याद रखेंगे तो आपको याद होगा कि हमको माइंडसेट से तैयार होना है। और इसके एक्शन वर्ब क्या हो गए, जैसे बिगिंस यानी तैयारी, शुरुआत करना, डिस्प्ले करना, एक्सप्लेन करना, एक्सेट्रा। गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब है कि रिस्पॉन्स कब कर रहा है व्यक्ति, जब उसको गाइड किया जा रहा है या किसी गाइड की प्रेजेंस में कर रहा है। The early stages in learning a complex skill, है ना, किसी complex, किसी जटिल कौशल को सीखने के लिए शुरुआत में जब हम activity करते हैं तो किसी की guidance में करते हैं। फिर इसके action verb क्या हो जाएंगे, copies, traces, follows, reacts, etc. Mechanism, इसके बाद मतलब ये देखिए complexity level बढ़ रहा है ना, पहले आपने perceive किया, फिर आप तैयार हुए, फिर आप response दे रहे हैं लेकिन किसी की presence में दे रहे हैं, और फिर आपकी basic proficiency का level आ गया, यानी कि ये क्या है, this is the intermediate stage in learning a complex skill। देखिए चौथे वाले को intermediate कह रहे हैं ना, क्योंकि सात level हैं, तो तीन आगे तीन पीछे,
परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बेसिक प्रोफिशिएंसी वाला लेवल जो है वो इंटरमीडिएट लेवल है अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि लर्निंग रिस्पॉन्सेज हैव बिकम हैबिचुअल यानी कि हम आदतन वो काम करने लगेंगे इसका मतलब कि हमको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे जैसे ड्राइव अ कार जब कार चलाना आ जाता है तो हमें कितना आसान लगता है हमको किसी के लिए जरूरत नहीं होती उसकी कौन गाइड कर रहा है कौन बता रहा है कब कौन से गियर में चलेगी कार कंप्यूटर यूज करना एक्सेट्रा है ना फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स अब हम थोड़ा और बढ़िया करेंगे यानी कि अब हम क्या हो जाएंगे प्रोफिशिएंट हो जाएंगे द स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स यानी कि अब हम स्किल्ड परफॉर्मेंस शो करने लगेंगे अडेप्टेशन का मतलब कि हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे अब कि कैसे कब चेंज करना है किधर से किधर जाना है कंप्यूटर में हाईटेक हम काम करने लगेंगे कार हम बहुत मुश्किल जगहों से निकाल लेंगे और ओरिजिनेशन का मतलब क्रिएटिंग अ न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फिट ए पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम यानी कि आप कुछ ऐसा काम करते करते कंप्यूटर में आप कर लेंगे जो आपने कभी ना किया हो यानी कि आप ओरिजिनेट कर लेंगे कुछ क्रिएट कर लेंगे कुछ नया अकॉर्डिंग टू जैसे सिचुएशन अराइज हो जैसे कंस्ट्रक्शन थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये इसके क्या है एक्शन वर्ब है अरेंजेस बिल्ड्स कंबाइंस कंपोजेस ये नीचे वाले तो ये सिम्पसन आपका व्यू सिम्पसन सॉरी एलिजाबेथ सिम्पसन है तो एलिजाबेथ सिम्पसन ने हमको ये बताया कि इस तरीके से जो साइकोमोटर डोमेन के हाईएस्ट स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं और इन्होंने हाईएस्ट स्टेज क्या बताई हमको ओरिजिनेशन ओके अब आते हैं हैरो के वर्जन पे हैरो अनीता हैरो इनका नाम है ये कह रही है कि हम ऐसे चलते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट पहला होता है फिर फंडामेंटल मूवमेंट होता है फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज पे हम आते हैं फिर फिजिकल एबिलिटीज पे आते हैं फिर स्किल्ड मूवमेंट करने लगते हैं और फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या कहते हैं ये कहती है कि रिएक्शंस दैट आर नॉट लर्न सच एज एन इनवॉलंटरी रिएक्शन मतलब वो जो हमने सीखा नहीं है इंस्टिंक्टिव हो रहा है तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है ना रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं तुरंत गर्म चीज पर हाथ पड़ा तो आपने हाथ हटा लिया उस तरीके का फिर फंडामेंटल मूवमेंट में क्या है कि बेसिक मूवमेंट सच एज वॉकिंग और ग्रेस्पिंग यहाँ पे हम बेसिक मूवमेंट करते हैं फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज में क्या है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि यहाँ पे हम परसीव करते हैं रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी कि हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसके प्रति जो स्टिमुलाई हमको मिल रहा है और साथ में इसका एग्जाम्पल और कीवर्ड दे रखा है फिर फिजिकल एबिलिटीज में क्या है कि स्टेमिना डेवलप होना चाहिए उस काम को करने के लिए स्किल्ड मूवमेंट में क्या है एडवांस लर्निंग मूवमेंट आपके पास आ गया और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि यूज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज सच एज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन तो ये हैरो का वर्जन है तो हैरो साहब सॉरी आदतन अनीता हैरो ने हमको बताया कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं साइकोमोटर डोमेन में रिफ्लेक्स मूवमेंट पहले इंस्टिंक्चुअल करते हैं फिर हम फंडामेंटल मूवमेंट्स के हिसाब से चलते हैं फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज वाले लेवल पे आते हैं फिर फिजिकल एबिलिटीज फिर हम स्किल्ड करने लगते हैं काम कौशल के साथ करने लगते हैं और फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन में वो आ जाता है ये दो वर्जन हमको जानने हैं डेव वाला सबसे इजीएस्ट है मतलब इजीएस्ट का मतलब ही सबसे आसान है सबसे ज्यादा यूज होता है और वो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी भी आसान लगेगी जैसे डेव बता रहे हैं इमिटेशन यानी कि जब आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा अनुकरण करना पड़ेगा ना पहले हमको कुछ सीखना है कार चलाना सीखना है तो पहले देखेंगे ना ड्राइवर कैसे चला रहा है ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स परफॉर्मेंस मे बी ऑफ लो क्वालिटी यहाँ पे परफॉर्मेंस जो होता है वो लो क्वालिटी का होता है फिर मैनिपुलेशन आप कीवर्ड्स देखते चलिए साथ में है ना मैनिपुलेशन में क्या है यानी कि अब हम मैनिपुलेट करेंगे यानी कि हम सीख जाएंगे कि हमको कैसे एक्शन परफॉर्म करना है being able to perform certain actions by memory or following instruction yani instructions ko follow karte karte hum karna seekh gaye precision yani ki ab hum badhiya tarike se karne lagenge refining becoming more exact matlab hamara ekdam refine ho jayega kaam jo hum kar rahe hain aur uske baad आर्टिकुलेशन आ जाएगा यानी कि अब हम कोऑर्डिनेशन के संग करने लगे यानी दो काम एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर टाइपिंग के संग हम कोई और भी काम कर सकते हैं कार ड्राइविंग के संग हम मोबाइल भी हैंडल कर सकते हैं शुरुआत में जब हम कार ड्राइव करना सीखते हैं तो हम उसके संग कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा ध्यान स्टीयरिंग पे और सामने होता है लेकिन जब आप उसको सीख जाते हैं तो आप कार ड्राइव करने के संग कितने काम कर सकते हैं मतलब करने नहीं चाहिए लेकिन आप कई चीजें उसके साथ भी हैंडल कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग एंड अडैप्टिंग अ सीरीज ऑफ एक्शंस टू अचीव हार्मनी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी और बाद में क्या हो जाता है नेचुरलाइजेशन यानी कि आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है मास्टरिंग अ हाई लेवल परफॉर्मेंस अंटिल इट बिकम्स सेकेंड नेचर और नेचुरल विदाउट नीडिंग टू नीड टू थिंक मच अबाउट इट यानी कि आदतन हम कर रहे हैं अब हमको सोचना नहीं है कि कैसे करना है ये देव का वर्जन है सबसे देखिए इसके इसका नॉवेल के भी कितना आसान है इमिटेशन मैनिपुलेशन प्रिसीजन और बाद में आपका आर्टिकुलेशन नेचुरलाइजेशन सिर्फ 5 लेवल का है ओके
तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हम जब इमिटेशन पे थे तो क्या थे कि द स्टूडेंट लर्न्स बाय वॉचिंग एंड कॉपिंग, यानी कि देखकर और कॉपी करके उसने सीख लिया। मैनिपुलेशन में क्या हुआ, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन, यानी याद कर लिया हमने। प्रिसीजन में क्या हुआ, परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस हमारा बढ़िया हो गया। आर्टिकुलेशन में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हो गया, सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म है ना टुगेदर इन ए हारमोनियस वे, हारमोनियस वे में हम कई काम कर ले रहे हैं। और नेचुरलाइजेशन में हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव विद एक्शंस बिकमिंग सेकेंड नेचर। आसान है। अब देख लीजिए तीनों के कंपैरिजन देख लीजिए, कॉग्निटिव डोमेन का भी, साइकोमोटर का और एफेक्टिव का। कॉग्निटिव में जो रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग पुराने वाले की 1956 वाले की बात नहीं कर रहे हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। एफेक्टिव में रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनलाइजिंग वैल्यू। और ये हमारा डेव वाला है क्या, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से साइकोमोटर डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आज कवर होता है। सिर्फ इफेक्टिव रह गया है, वो भी किसी दिन कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। एंजॉय माई टेलीग्राम ग्रुप 2, डन फ्रॉम माई साइड।